हेलो दोस्तों, आज हम औसत यानी एवरेज के कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। जैसे पहला प्रश्न है, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 57 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? तो दोस्तों, ऐसे प्रश्न करने के लिए सबसे पहले क्या है, इसमें तीन क्रमागत मतलब लगातार, एक, दो और ये तीन, मतलब ये तीन संख्याएं हैं और इनका योग कितना दिया हुआ है, 57। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनका योग 57 है? तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आज आप देख लीजिए। तो योग कितना है, 57, कितनी संख्याओं का, तीन क्रमागत संख्याओं का योग 57 है। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, 3 + 3 ये हो जाएगा 19, बार ये कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 19, इसका आंसर 19 आ जाएगा। अब दोस्तों, ये जो 19 आया है यही औसत है, जितनी संख्याओं का योग होता है उससे उसको भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो जो निकल के आंसर आता है वही औसत होता है। औसत ही बीच वाली संख्या होती है, या कह सकते हैं बीच वाली संख्या ही औसत होती है। तो इस 19 को हम यहाँ पे रखेंगे। अब क्रमागत संख्याएं निकालनी है तीन, तो बीच वाली संख्या हमें पता चल गई, तो उससे पहले एक क्या होगी, हो जाएगी 18, और उससे एक ज्यादा हो जाएगी 20। तो ये तीनों क्रमागत संख्याएं निकल के आ गई। अब पूछा क्या है इसमें, बीच वाली संख्या क्या होगी, तो बीच वाली संख्या क्या होगी, 19। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 19 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब अगर इसमें पूछ रहे था कि सबसे छोटी संख्या बताइए, तो सबसे छोटी संख्या क्या होती, 18। अगर इसी में पूछ लेता सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो क्या होती, 20। अगर इसी में पूछ लेता कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योगफल बताइए, तो इनको जोड़ देते। अगर इन्हीं में अंतर पूछ लेते तो इनको घटा देते, गुणनफल पूछ लेते तो इनको गुणा कर देते। आप इससे जो भी इसमें क्वेश्चन पूछे वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 66 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो तीन क्रमागत, 1, 2, 3, योग कितना है, 66, कितनी संख्याओं का, तीन का, इसको अगर हम इनसे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 22। 22 क्या आ जाएगा, जो आंसर आता है वही एवरेज होता है, वही औसत होता है, औसत ही बीच वाली संख्या होती है, तो यहाँ पे बीच में रख देंगे। अब तीन क्रमागत संख्याओं का, तो एक हो जाएगी 21 और एक हो जाएगी 23। क्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 23 है। तो दोस्तों, कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में, तो ऐसे ही आप बहुत आसानी से प्रश्न कर सकते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा लेवल अप है, चलिए देखते हैं। यदि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 153 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? अभी तक क्या पूछ रहा था कि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का, यहाँ पूछा है यदि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 153 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? तो यहाँ हम 1, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 153 को हम 3 से भाग दे देंगे, तो इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 15, 3 × 3, तो ये 51 निकल के आ जाएगा। अब जो ये निकल के आया है यही बीच वाली संख्या है, मतलब यही एवरेज है, तो ये यहाँ पे रख देंगे 51, क्योंकि एवरेज या औसत जो होता है वो वही बीच वाली संख्या होती है। ओके, फिर अब क्या कह रहा है क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ये तीन क्रमागत विषम संख्याओं का, तो यहाँ पे तीन क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो एक ये विषम हो गई। अब उससे पहले 51 से पहले 50 आता है, तो 50 तो सम है, और उससे पहले आता है 49 जो कि विषम है, यहाँ पे क्या आएगा 52 और 53। फिर क्या पूछा है, बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या 51 है। इसी में सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या या उनका अंतर या उनका योगफल या उनका गुणनफल, जो भी पूछे आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का, अभी हमने किया था इससे पहले वाले में विषम संख्याओं का, यहाँ पे सम, तो तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 36 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? फिर वही करना है, 1, 2, 3, ठीक है। फिर क्या है, तो सबसे छोटी संख्या, तो तीन क्रमागत विषम संख्याओं का, तो ये हो जाएगा 36। इसको 3 से अगर हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 12, तो औसत कितना निकल के आ जाएगा, 12।
12 निकल के आएगा। सम की बात करें तो यहाँ पे रखेंगे 12, ठीक है। फिर 3 सम, तो 12 से पहले सम क्या होगा 11, 10, और यहाँ हो जाएगा 12, 13, 14। क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 10, तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो चार क्रमागत 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे चार संख्याएं आएंगी, उनका योग क्या है 20, तो इसको यहाँ पे 4 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 4×5=20, यानी एवरेज जो निकल के आ गया 20। अब देखिए यहाँ देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है, सम संख्याओं का, तो अगर हम इस 5 को बीच में कहाँ रखेंगे, अगर रख देंगे तो 5 तो सम तो है नहीं, 5 तो सम है नहीं, 5 तो विषम है, तो ये बीच वाली संख्या है, तो 2 इधर 2 इधर, तो ये जो 5 आएगी ये कहाँ आएगी, ये 5 यहाँ बीच में आ जाएगी, ठीक है, 5 यहाँ बीच में आ जाएगी। फिर 5 से पहले 2 सम आएंगी, 5 के बाद 2 सम आएंगी, तो 5 के पहले 2 सम संख्याएं कौन सी है, 5 से पहले हो जाएगी 4 और यहाँ पे हो जाएगी 2 और इधर हो जाएगी 6 और 8। 5 से पहले विषम संख्याएं 4 और 2 होंगी, 5 के बाद होंगी 6 और 8। हमने क्या किया, इस 20 को 4 से डिवाइड किया, 5 औसत आ गया, इसको हमने बीच में रख दिया, उससे पहले की 2 विषम संख्याएं ले ली और उसके बाद 2 सम संख्याएं ले ली। फिर अब इसमें क्या कह रहा क्वेश्चन में, तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह प्रश्न क्या कहता है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 5, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 संख्याएं यहाँ पे आएंगी, तो 55 है, तो 55 को सबसे पहले हम औसत निकाल लेंगे, तो 5 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 55 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 इसका औसत निकल के आ जाएगा, और 11 कौन सी है, विषम संख्या, तो 11 भी विषम संख्या, तो इसको बीच में रखना है, तो 2 इधर 2 इधर, तो 11 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 2 इससे विषम संख्याएं लेनी है पीछे और 2 आगे, तो 11 से पहले विषम संख्या हो जाएगी 9 और उससे पहले हो जाएगी 7, देख, और उसके बाद हो जाएगी 13 और 15, ठीक। अब इसमें क्या करा, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें देख लीजिए क्या होगी, 15, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से औसत वाले प्रश्न आप 2 से 3 सेकंड में आराम से कर सकते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी संख्या व सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 5 क्रमागत 1, 2, 3, 4 और 5, 5 क्रमागत कह रहा है, तो इसीलिए हमने 5 संख्याएं यहाँ पे वो 1, 2, 3, 4, 5 लिख ली। फिर 80 है योग, तो इसका अगर हम औसत निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा 16, सम संख्याएं कह रहा है और 16 भी सम है। अब 16 को हम बीच में रख देंगे क्योंकि 16 औसत है, औसत ही बीच वाली संख्या होती है, तो 2 इधर 2 इधर, तो 16 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 क्रमागत सम संख्या, तो 16 से पहले क्रमागत सम संख्या कौन सी होगी 14, और उससे पहले क्या होगी 12, उसके बाद क्या होगी 18 और 20। फिर क्या करा, तो सबसे छोटी संख्या वह सबसे बड़ी संख्या क्या, योग निकालिए, सबसे छोटी संख्या क्या है, तो योग निकाल लीजिए, सबसे छोटी संख्या 12 है प्लस सबसे बड़ी संख्या 20 है, हमें निकालना है इसका योग, तो योग देखिए निकाल लीजिए, तो हो जाएगा यहाँ 2 और 0 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, तो आंसर आ गया, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऐसे प्रश्न भी बहुत आसानी से चुटकियों में कर सकते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 क्रमागत हैं, तो 1, 2 और 3 संख्याएं मिली। फिर योग कितना है 72 और क्रमागत संख्याएं कितनी है 3, तो अगर इसको हम इससे डिवाइड करेंगे 3×6 और 3×4=12, तो 24 निकल के आ जाएगा। फिर हम यहाँ देख लेंगे जो 24 आया है, क्या यह 3 से विभाजित है, तो हाँ ये 3 से विभाजित है, 3×8=24, तो इस 24 को हम ये यहाँ रख देंगे, ये बीच वाली संख्या हो गई। अब
इससे एक क्रमागत 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन है? 24 से अगर 22 तो 3 से विभाजित नहीं है, 21 3 से क्या विभाजित है? हाँ, 21 जो है 3 से विभाजित है। ऐसे ही 25 3 से विभाजित नहीं, 26 3 से विभाजित नहीं, 27 3 से विभाजित है। अब देखिए, ये जो तीनों संख्याएं क्रमागत संख्याएं हैं, वो क्रमागत संख्याएं जो 3 से विभाजित कर सकते हैं। 21 को भी हम 3 से विभाजित कर सकते हैं, 24 को भी हम 3 से विभाजित कर सकते हैं, और 27 को भी हम 3 से विभाजित कर सकते हैं। फिर इसमें पूछा तो इनमें से सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 21 है, तो ऑप्शन ए सही हो सकता है। आप सेकंडों में ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तीन क्रमागत कहा है, 1, 2 और 3, योगफल 15 है, तो इसका हम एवरेज निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 3×5=15, 5 आ जाएगा इसका औसत। तो देख लीजिए, सम या विषम तो नहीं, नहीं क्रमागत कहा है, तो यहाँ पे हम इसको 5 को रख देंगे। इससे एक पहले क्रमागत हो जाएगी 4 और एक बाद हो जाएगी 6। फिर क्या कहा है, जिनका योगफल 15 है, मगर इनका निकालना क्या है, क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो इनको गुणा कर दीजिए। तो अगर इनको 4, 5 और 6 को हम गुणा कर देंगे, तो 4×5×6 इनको हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 120। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दो क्रमागत संख्याओं का वर्गों का अंतर 21 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ऐसे प्रश्नों को सेकंडों में करने का बहुत ही आसान तरीका है। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हुआ है, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए जो ये 21 जो वर्गों का अंतर दिया गया है, को 21 बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 1 इसमें जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 22/2 और ये आ जाएगा 11। अगर इसको काटेंगे तो 11 आ गई सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें पूछा क्या था, उनमें सबसे बड़ी संख्या ही पूछा था, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर इसमें पूछ लेता कि सबसे छोटी संख्या बताइए, तो क्या करना होता, तो 21 में से 1 माइनस कर देते और 2 से घटा देते, तो ये हो जाता 20/2 और ये 10 निकल के आ जाता, तो इसका ये आंसर हो जाता। मगर इसमें हमें पूछा था बड़ी संख्या, तो हमने बड़ी संख्या निकाल ली, 11 है और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसी से संबंधित अगला प्रश्न करते हैं। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है? तो इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले क्या पूछा है, क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी सम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 84 दिया है, 84 में हम 4 ऐड कर देंगे और इसको 4 से भाग कर देंगे, ठीक है, 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 88 और नीचे 4 हो जाएगा। अगर हम इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 22 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें इनका अंतर निकाल लेंगे। अब इसमें सबसे छोटी संख्या निकालें, सबसे बड़ी संख्या हमने निकाल ली, 22 आ गई, सबसे छोटी संख्या निकालेंगे तो 84, यहाँ 4 जोड़ रहे थे छोटी निकालने के लिए, 4 यहाँ पे हम घटा देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 80/4। अगर इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये 20 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब इनको और इनको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2, 2, 2, 4। तो क्या पूछ रहा था, वो संख्याओं का योग, तो ये दोनों सम संख्याएं हैं और इन सम संख्याओं का योग कितना है, 42। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दो क्रमागत सम संख्याओं का योग पूछ रहा था, दोनों क्रमागत सम संख्याएं हैं, उनका योग 42 आ गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस तरह से आप, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इन प्रश्नों को लेकर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।